कि लोगों सुनो, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा कायनात में किसी के लिए सजदा नहीं, किसी के लिए रुकू नहीं, किसी के लिए कौमा नहीं, किसी के लिए नजर नहीं, किसी के लिए नियाज नहीं, किसी के लिए दुआ नहीं, किसी के लिए कुर्बानी नहीं, किसी के लिए इबादत के कोई मरस, कोई रस्म, मरासिम उबूदियत के जितने एक्शन हो सकते हैं वो तमाम के तमाम एक्शन हराम है। अल्लाह एक की इबादत करो, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है। यही वो जुमला था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें करते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहें, आप यहां पर मस्जिदों में सजदा करते भी रहें, दरगाहों पे भी सजदा चलता रहे, नमाज में आए तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहें, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, बाहर निकलते हैं तो दरगाहों पर, चौराहों पर और इसी तरह कब्रों पर, झंडों पर, बंडों पर भी आप क्या है, वहां का नअबुदु, वहां का नस्तईन करते रहें, यहां झुकते रहें, वहां सजदे करते रहें, किसी गैर को पुकारते रहें, कोई यूं कहे कि हम दरअसल अब्दुल कादर जीलानी को पुकारते हैं, हम गौसे आजम को पुकारते हैं, हम जुनैद बगदादी को पुकारते हैं, हम फलां को पुकारते हैं, याद रखो कोई नहीं है, अल्लाह दाता है, अल्लाह गरीब नवाज है, अल्लाह गंज नवाज है, अल्लाह गंज बख्श है, खजाइन का मालिक रब्बुल आलमीन है। यही वो तौहीद थी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया तो कौम ने उन्हें दुश्मन करार दिया, कौम ने उन्हें साहिर कहा, कौम ने उन्हें जादूगर कहा, कौम ने उन्हें धोखा दिया, कौम ने उन्हें मजनून कहा, कौम ने उन्हें दीवाना कहा, हत्ता के ये ब्रदरान इस्लाम वजीबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज साथियों, लायक एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो उसी वक्त फरमा दिया कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखो अब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायतें आती रहेंगी, जो कोई उन हिदायतों की पैरवी करेगा तो उसके लिए कोई खौफ का मौका नहीं है और न कोई रंज का मौका है। और इसी तरह इसी वाक़िए को, ये तो सूरह बकरा में फरमाया, सूरह ताहा में यही वाक़िए रिपीट हुआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़िए कुरान में तकरीबन 7 जगह आया है, उनमें से सूरह ताहा में फरमाया कि फ़मनि तबा हुदाय फला यज़िल्लु वला यश्का। देखो मेरी हिदायतें अब तुम्हारे पास आती रहेंगी, जो कोई उन हिदायतों की पैरवी करेगा यानी किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होगा, यानी जो रसूल ले आए अल्लाह की किताब और उनके तरीक़े और उनके बातों पर अमल करेगा तो फरमाया कि फला यज़िल्लु वला यश्का, कि ना वो गुमराह होगा ना बदबख्त होगा। तो फरमाया कि तू खौफजदा ना होगा, रंज न होगा, बदबख्त न होगा, गुमराह न होगा, कब? जब तू अल्लाह और इसके रसूल की बातों पर अमल पैरा होगा। तो याद रखिए, आज मुसलमानों को सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये चारों बीमारियां हैं, क्या हमें रंज नहीं है, क्या हमें धड़का लगा हुआ नहीं है, क्या हमें खौफ से हम कांप नहीं रहे हैं, क्या हमारे अंदर बदबख्ती छाई हुई नहीं है, क्या हम बदकिस्मत और बेराह नहीं हैं, गुमराह नहीं हैं? ये तमाम चीज़ें हैं तो वाज़े तौर पर अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता, वमन अस्तक मिन अल्लाह हदीसा, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात करने वाला कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला का कौल झूठा नहीं है, लेकिन हमारे मानने में झूठा। हम जो कहते हैं अल्लाह और इसके रसूल को मानते हैं, इसके अंदर कोई खोट है, इसी वास्ते हमारे अंदर ये चारों सिफात पैदा ना हो सकी। तो इसी तसलसल से आप ये मेरी तमहीद समझ लीजिए, क्योंकि जुमा का खुतबा बड़ा तंग वक्त होता है तो मैं लंबी तमहीद तो नहीं बांध सकता,
लेकिन यही तमहीद है, यही इंट्रोडक्शन कलिमात है मेरे, कि असल में हमें अपने ऊपर सबसे पहले ये तजज़िया कर लेना चाहिए कि अल्लाह और इसके रसूल के मुताबिक हमारी ज़िंदगियां होती तो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का ये अमल भी हमारे साथ होता। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि फला यज़िल्लु वला यश्का, इसका भी अमल होता। और ये दोनों नहीं हैं तो हम अल्लाह और इसके रसूल की जो तालीमात हैं इसको हम बुला चुके हैं। इसमें छोटी की तालीम क्या है? सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाने का हुक्म दिया और जिसकी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी कौम पे सबसे मुअज्जज थे, पलकें बिछाते थे। आपको मालूम है 35 साल की उम्र पे काबा असरनौ तामीर हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में। 40 साल में नबूवत मिली, 35 साल में अभी नबूवत नहीं मिली थी। और ये मामला हुआ कि सैलाब और पानी की वजह से काबतुल्लाह जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था उसकी दीवारें थोड़ी सी बोसीदा हो गई और उन लोगों ने तय किया कि इसको ढाकर असरनौ तामीर करेंगे। तो काबतुल्लाह जब उसको बराबर कर दिए तो हजर असवद जो मुकद्दस तरीन जन्नत से लाया गया पत्थर है इसको नसब करने फिट करने के सिलसिले में मुशरिकीन मक्का के दरमियान झगड़ा हो गया। कोई कहता था कि ये शर्फ मैं करूंगा, कोई कहता था कि मैं, कोई दूसरा मैं। हालांकि आखिर में ये तय पाया कि जो शख्स सबसे पहले सुबह हरम में आएगा हम उसकी बात मान लेंगे। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन हरम में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स थे और जैसे ही इन्होंने देखा पुकार उठे, ये अमीन हैं, ये सादिक हैं, हम इनकी बात मानते हैं। गोया के नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक इतनी पाक साफ और शफाफ थी कि पूरी कौम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे और अमानतदार का लक़ब दे चुकी थी, उनकी बातों को मानने लगे थे और अपनी पलकें बिछाती थी। लेकिन यही कौम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को पेश किया, आपको मालूम है फरमाया कि इन्नका लमजनून, आप तो दीवाने हैं। हाँ, लसाहिरुम मजनून, कहीं फरमाया कि आप तो जादूगर हैं। तरह तरह की तकलीफें दी गई। सवाल मेरा यही है मुसलमानों, आखिर जो कौम में सबसे ज़्यादा मोतबर थे, जिनके लिए पलकें बिछाते थे लोग और जिनकी बातों को मानते थे, जिनको पहले ही लकब सादिक और अल अमीन का था, आखिर क्या बात हुई कि नबूवत मिलने के बाद वही कौम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन बन गई, उनको मारने और अजियत देने के बहाने तराश करने लगी और अल्लाह के रसूल को कहीं साहिर कहा, कहीं जादूगर कहा, कहीं मजनून कहा, कहीं दीवाना कहा, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरदीद में आयतें उतारी, नून वल क़लम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्नक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुल्क़िन अज़ीम, बदबख्तो तुम्हारे साहब दीवाने नहीं हैं, दीवाना कौन है वो तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर के अंदर अपने दो बेटियों का निकाह अपने अबू लहब की दो बेटों से उतबा और उतैबा से कर दिया था। उस बदबख्त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को अपने बेटों को कहकर तलाक दिलवाई। हजरत ज़ैनब का हमल गिरवाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे उहद पेश आया, ग़ज़वे खंदक पेश आया, ग़ज़वे बदर पेश आया, कई सहाबा शहीद हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, घुटने में मौज आई, चलना मुश्किल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जख्मी हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौम के लिए
बद्दुआ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह से सुलह हुदैबिया के वक्त रोक दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा न कर सके। ये तमाम अजियतें उस शख्स के लिए जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के महबूब और आँखों का तारा थे। तो वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद कौम ने इस तरह का सलूक किया? तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह जान लो, वो तौहीद का सबक था जिसको वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसे रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए डंके की चोट पर ऐलान किया कि लोगों सुनो, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा कायनात में किसी के लिए सजदा नहीं, किसी के लिए रुकू नहीं, किसी के लिए कौमा नहीं, किसी के लिए नजर नहीं, किसी के लिए नियाज नहीं, किसी के लिए दुआ नहीं, किसी के लिए कुर्बानी नहीं, किसी के लिए इबादत के कोई मरस, कोई रस्म, मरासिम उबूदियत के जितने एक्शन हो सकते हैं वो तमाम के तमाम एक्शन हराम है। अल्लाह एक की इबादत करो, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है। यही वो जुमला था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें करते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहें, आप यहां पर मस्जिदों में सजदा करते भी रहें, दरगाहों पे भी सजदा चलता रहे, नमाज में आए तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहें, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, बाहर निकलते हैं तो दरगाहों पर, चौराहों पर और इसी तरह कब्रों पर, झंडों पर, बंडों पर भी आप क्या है, वहां का नअबुदु, वहां का नस्तईन करते रहें, यहां झुकते रहें, वहां सजदे करते रहें, किसी गैर को पुकारते रहें, कोई यूं कहे कि हम दरअसल अब्दुल कादर जीलानी को पुकारते हैं, हम गौसे आजम को पुकारते हैं, हम जुनैद बगदादी को पुकारते हैं, हम फलां को पुकारते हैं, याद रखो कोई नहीं है, अल्लाह दाता है, अल्लाह गरीब नवाज है, अल्लाह गंज नवाज है, अल्लाह गंज बख्श है, खजाइन का मालिक रब्बुल आलमीन है। यही वो तौहीद थी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया तो कौम ने उन्हें दुश्मन करार दिया, कौम ने उन्हें साहिर कहा, कौम ने उन्हें जादूगर कहा, कौम ने उन्हें धोखा दिया, कौम ने उन्हें मजनून कहा, कौम ने उन्हें दीवाना कहा, हत्ता के मक्की जिंदगी में इतना तंग कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया और जाते वक्त कहा कि ऐ मक्का, मुझे तुझसे जुदा होना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग मैं क्या करूँ कि मुझे रहने नहीं देते। ये कह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो मदीने ने भी चैन से जिंदगी गुजारने के लिए इन लोगों ने अपने मामलात दुरुस्त नहीं किए बल्कि आगे बढ़ बढ़ कर हमले किए। एक हिजरी के बाद से आप देखते जाएं, दो में गजवे बदर हुआ, तीन में गजवे उहद हुआ, चार में आप इसी तरह बनू नजीर का गजवा देखेंगे, पांच में गजवे खंदक हुआ, छह में सुलह हुदैबिया हुई, सात में खैबर हुआ, आठ में मक्का फतह हुआ। ये आठ साल लगातार जंगों में गुजरे। तो ये तमाम अहवाल हम सीरत में पढ़ते हैं तो क्यों? इसी वास्ते के अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक ही की इबादत करनी चाहिए। यही वो दो जुमले थे जिसकी वजह से तमाम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। अल्लाह एक है ये मानने में किसी को तकलीफ नहीं है। असल मसला कौमों का क्या था? अल्लाह एक की इबादत नहीं करते थे। तौहीद का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह एक है, तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह एक की इबादत करो। किसी नबी ने अल्लाह एक है की दावत देने के लिए नहीं आए थे। हर नबी जब आए अपनी कौम में फरमाया कि देखो अल्लाह एक को तो पहले मानते हो तुम, लेकिन अल्लाह एक की इबादत करो, जिसके बगैर अल्लाह के यहां कोई अमल काबिल कबूल नहीं। आप देख लीजिए, لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره। हमने हजरत नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो। ये नहीं कहा कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानते थे। अब हैरान होंगे मुशरिकीन मक्का, हमसे ज्यादा अल्लाह को मानते थे, हज भी करते थे,
उमरा भी करते थे, अल्लाह को पुकारते भी थे, बिस्मिकल्लाहुम लिखते भी थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी होती थी, अल्लाह के बारे में जानते भी थे। आपको मैं बताऊंगा अभी अगर वक्त मिले तो कैसे अकीदे के साथ मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे। मानना तौहीद नहीं है, तौहीद क्या है असल मानना नहीं है, उसकी सिर्फ और सिर्फ इबादत करना और इबादत में किसी को शरीक न करना। इसीलिए फरमाया कि लकद अरसलना नूहन इला कौमे फकाल या कौम अब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगो अल्लाह एक की इबादत करो। वह इला आदिन अकाहुम हुदा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद की तरफ भेजे गए, उन्होंने क्या कहा, फकाल या कौम अब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगो अल्लाह एक की इबादत करो, अल्लाह को मानो नहीं। व इला समूद अखाहुम सालिहा, सालेह अलैहिस्सलाम हजरत समूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम समूद की तरफ भेजे गए, उन्होंने क्या कहा, फकाल या कौम अब्दुल्लाह, देखो ऐ मेरी कौम के लोगो अल्लाह एक की इबादत करो। असल तौहीद क्या है, तौहीद की अहमियत और उसकी तकाजे आपको मैं बताने से पहले आप लोग जान लेना चाहिए कि तौहीद क्या है। तौहीद अल्लाह एक को मानने का नाम नहीं है, ये सब तो हम मुसलमान मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा कौन नहीं पढ़ता है। मकसूद क्या है, मकसूद ये है कि अल्लाह एक की इबादत नहीं करते। सजदा यहाँ भी, झंडे के लिए भी सलामी देते हैं, हाँ कहीं बंडा है तो उसके लिए भी झुकते हैं, कहीं कब्र है तो वहाँ पर भी सजदा है, कहीं दरगाहें हैं तो वहाँ पर भी नजर नियाज है, कहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर वलीउल्लाह हैं तो लगे आप वहाँ पर शुरू कर देते हैं अपने अपने वो तमाम चीज़ें जो रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं इबादतें। तो असल मसला क्या है, अल्लाह एक की इबादत करना, अल्लाह एक को मानना नहीं। अब आइए असल तौहीद की इस शिक को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अहमियत के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी इसका सबसे अहम तरीन मगज़ में बयान कर देता हूँ। फरमाया इन्ना अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला चाहे हर गुनाह माफ़ कर दे लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। हाँ ये एक गुनाह अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, बाकी जो चाहे माफ़ कर सकता है, कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, चाहा तो अल्लाह बग़ैर अज़ाब के उसे जन्नत भेज सकता है अगर वो तौहीद पर मरा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसी पर अपनी ज़िंदगी बिताया हो। अगर नहीं, इसके अलावा पूरी ज़िंदगी सजदे में सर रख के गुजारा हो लेकिन उसके अंदर तौहीद नहीं है, तो याद रखो फ़इन्नल्लाह हर्रमा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार, कि जो कोई शिर्क करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए पूरी जन्नत को हराम कर देता है। अब इस तनाजुर में आप तीन वाकियात जहन में रख लीजिए। शिर्क क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है, ख़ाह वो इबादत में हो, ख़ाह वो कौमे में हो, ख़ाह वो क़ियाम में हो, ख़ाह वो सजदे में हो, ख़ाह वो रुकू में हो, ख़ाह वो क़ुरबानी में हो, ख़ाह वो नज़र व नियाज में हो, ख़ाह वो पुकारने में हो, कोई भी इबादत अगर आप अल्लाह के अलावा किसी के लिए करते हैं तो वो शिर्क है। और आगे का कोई शख्स वली हो, नबी हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, हजर हो, शजर हो, कायनात में जो कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम अगर सामने हो तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, वो शिर्क है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह एक की इबादत करो उसके सिवा किसी को शरीक न करो, खाह वो नबी ही क्यों ना हो आप उनको शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, कहा कि अल्लाह के रसूल हमने देखा है कि बादशाहों के यहाँ जब वो लोग दरबार में आते हैं तो दरबारी लोग उन्हें सजदा करते हैं, आप तो दुनिया व आखिरत के बादशाह हैं, आप हमें इजाज़त दें कि हम आप भी आएँ तो हम आपके लिए सजदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं,
अगर मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा जायज़ होता, ये नोट कर लीजिए ये बात को, अगर मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा जायज़ होता तो बीवी को हुक्म होता कि वो शौहर के लिए सजदा करे, लेकिन उसके लिए भी जायज़ नहीं। साफ इनकार कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता के फरमाया कि मैं अपनी मजलिस में आऊं तो तुम मेरे इस्तकबाल के लिए उठ के भी खड़े ना हुआ करो। जो शख्स चाहता है कि वो आए तो लोग उसके लिए खड़े होकर इस्तकबाल करें, तो फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हाँ, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दुआ करने लगे और दुआ के बाद जाने लगे तो उनके अल्फाज क्या थे, अगर ये दुआ अल्लाह और इसका रसूल चाहें तो कबूल हो जाएगी। फरमाया कि माशा अल्लाह वशीता, अल्लाह और इसका रसूल चाहेंगे तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, कहा कि क्या फरमाया, कहा कि मैंने कहा कि माशा अल्लाह वशीत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन वहुवा खलकत, क्या तुमने मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया जबकि अल्लाह अकेले ने तुमको पैदा किया। वो था सहाबी थर्रा गए, कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने कौन सा जुर्म किया है। फरमाया कि तुमने अल्लाह के नाम को और मेरे नाम को एक साथ मिला दिया, मैं और अल्लाह चाहूं, अकेले कहो कि अल्लाह चाहे, अगर कहना ही चाहो तो फिर सुम्मा का इजाफा करो, कहो कि माशा अल्लाह सुम्मा वशीता, अल्लाह चाहे और फिर आप चाहें, ये कहो माशा अल्लाह वशीता। इतनी ज्यादा बारीक बिनी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौहीद सिखाई है। हालांकि हम खुद चंद पैसों के लिए, चंद काम बनाने के लिए बड़े ओहदेदारों से ये कहते हमारा दिन नहीं गुजरता, आप दिल रखे तो हो जाएगा, आप मर्जी करें तो हो जाएगा, अरे आप जरा सा हुक्म करें, ये तो हम क्या हैं, हर वक्त कहते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद सिखलाना मकसूद था मेरे भाइयों, तो अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि देखो मेरा और अल्लाह का नाम एक साथ नहीं, बल्कि अगर लेना चाहो तो भी अल्लाह का नाम के बाद सुम्मा कहो, सुम्मा वशीता। कितने मसाजिद हैं जहां पर हम देखते हैं कि मिंबरों में एक तरफ अल्लाह लिखा होता है, एक तरफ मोहम्मद लिखा होता है, गोया कि यह अकीदा होता है कि अल्लाह भी और मोहम्मद भी दोनों बराबर हैं। मस्जिदें जहाँ तौहीद का गढ़ हैं और तौहीद की बुनियाद होनी चाहिए, यहीं पर हमने शिरकिया कलिमात और शिर्क वहां पर हम दरअसल लोगों को सिखाते और अल्लाह और मोहम्मद को बराबर करार देके बच्चों के जहनों में यह बात डालते कि तुम या अल्लाह पुकारो या मोहम्मद पुकारो, दोनों बराबर हैं, जबकि रब कहता है कि ना, जो या मोहम्मद पुकारता है वो जाहिल है। मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है, और मुझे ऐसे ही यकीन है जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, बल्कि मेरे मिंबर पर खड़े होने पर मुझे क्या है शक हो सकता है, मेरे रब के कुरान पे मुझे यकीन है, कामिल है, मुझे कोई शक नहीं। फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, इन्नल लजीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरहुम ला याकिलून, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके घर के बाहर खड़े होकर या मोहम्मद का नारा लगाते हैं, आपको बुलाते हैं, इनमें अक्सर लोग जाहिल हैं, ला याकिलून, अकल नहीं रखते। इसीलिए पूरे कुरान में अल्लाह ने या मोहम्मद कहीं नहीं पुकारा। हाँ, आप देख लीजिए, हाँ ये मेरा चैलेंज है कियामत तक के लिए, आप मुझे पूरे कुरान में या मोहम्मद का सीगा, जिसको तुमने ऐसे कर लिया कि अपने हर मजलिस में या मोहम्मद का नारा पुकारते हो, मुझे पूरे कुरान में साबित करो कि अल्लाह ने कभी या मोहम्मद किसी पुकारा है, हालांकि या इब्राहिम पुकारा है, या आदम पुकारा है, या दाऊद पुकारा है, और इसी तरह या मूसा पुकारा है, या ईसा पुकारा है, या यहया पुकारा है, मुख्तलिफ अंबिया कराम को पुकारा है या के साथ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं या के साथ नहीं पुकारा। अल्लाह ने इतनी ताजीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखी और हम ताजीम के नाम पर उन्हें या से खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज्जत दी है वह इज्जत को गिराते हैं या उठाते हैं, देखना चाहिए। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे अहम तरीन चीज तौहीद है,
और सबसे बदतरीन झूठ शिर्क है, और जो शिर्क पे मरा उसके लिए दायमी जहन्नम है, और जो तौहीद पे मरा उसके लिए किसी न किसी वक्त जन्नत है, खा वह कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, जानी क्यों ना हो, चोरी करने वाला क्यों ना हो, सारिख क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो जरूर जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर उसके पास तौहीद नहीं है फिर बकिया तमाम आमाल क्यों ना हो, अल्लाह की कसम उस पर ऊपर जन्नत हराम है, उसका दायमी ठिकाना जहन्नम है। तो मेरे भाइयों, शिर्क से बचो, तौहीद को मजबूती से पकड़ लो। याद रखो, इस तौहीद के साथ कुछ भी हो जाए एक न एक दिन जन्नत जाने का मौका तो मिलेगा, और दायमी जहन्नम कोई नहीं बनेगा। लेकिन कोई बंदा पूरी जिंदगी इबादतों में गुजार ले और लेकिन उसके अंदर शिर्क हो, वो गैरुल्लाह को पुकारता हो, वो ख्वाजा अजमेर को या बंद नवाज को या बगदाद वाले को या फलां को या फलां को, और वो समझता हो कि ये सब भी मेरी मदद करने पे कादिर हैं, और इसी पे मर जाए, वो तहज्जुद गुजार हो, वो सौम सलात का पाबंद हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत इबादतें किया हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी इबादतें हबा अम मंसूरा हैं, बिल्कुल परागंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक के लिए कहता है, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, हम उसको उठा के फेंक देते हैं आसमानों के ऊपर से, और वो कहाँ जाके पड़े, फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु तैर, या परिंदे उसको उचक ले जाएं, औ तहवी बिहि रिहु फी मकानिन सहीख, उसकी रूह कहीं दूर जाके पड़े। अल्लाह को इसका कोई सरोकार नहीं होता है। जब रूहें ऊपर चढ़ती हैं, जब मलकुल मौत रूह निकालते हैं, वो अल्लाह के साथ किसी गैरुल्लाह को भी पुकारा हो, शिर्क किया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले नहीं जाते हैं, वला यदखुलूनल जन्ना, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होता है, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहां तक कि सुई के नाके में ऊन दाखिल हो जाए। यानी फरमाया कि सुई के नाके में ऊंट का दाखिल होना जैसे नामुमकिन है। सुई का नाका जो तागा डालते हैं ना जी, कितना बड़ा होता है, क्या उसके अंदर से हाथी चले जाएगा, नहीं ना। तो फरमाया कि सुई के नाके में जैसे ऊंट दाखिल होना नामुमकिन है, बिल्कुल उसी तरह कोई मुशरिक जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। शिर्क से बचो, तौहीद को अपनाओ। इस सिलसिले में तीन चीजें कभी ना भूलना जो तारीख में हुए हैं। सबसे पहला वाकिया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत तन्नूर कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमना माहू इल्ला कलील। अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में सबसे पहले शिर्क आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बना के भेजा। और आपको पता है हज़रत नूह ने 950 साल तब तबलीग की है, तौहीद की तरफ बुलाया है। कितने साल? 950 कम हज़ार साल। लक़द अरसलना नूहन इला कौमे फलबित फ़ीहिम अल्फ़सनतिन इल्ला खम्सीना आमा। 50 कम हज़ार साल हज़रत नूह को हमने भेजा, और वो इन्नी दाऊत कौमी लैलम व नहारा फलम यज़िदुहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, कि वो अल्लाह की तरफ बुलाते रहे कि लोगों शिर्क से बचो, लेकिन ये नहीं बचे। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत ट्विस्ट करते हैं लोग, ये बात भी जान लीजिए, वो ये कि भाई ये बुतों की पूजा है भाई शिर्क। हम जो पुकारते हैं ना, वो अल्लाह के वलियों को पुकारते हैं। क्या बुत और वली दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको अल्लाह ने पावर दे रखा है, हम उनको पुकारते हैं। ये जो अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया कराम को भेजा, ये लोग असल में बुतों को पुकारते थे। आज इसका भी इजाला मैं कर देता हूं इसी जुमा के खुतबे में, ताकि कोई आगे चलकर गुमराह ना कर सके। जिन बुतों को पुकारने का आप नारा लगाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब आए अपनी कौम के अंदर, उस वक्त कोई बुत का मामला नहीं था। आप अच्छी तरह समझ जाइए,
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के बेटों में तौहीद रखी और हज़रत आदम को भी तौहीद के साथ भेजा। अच्छा, कितने साल, कितने साल? हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने अब्बास बुखारी की रिवायत के अंदर ये तशरीह करते हैं, कानन नास उम्मतन वाहिदा, पूरी उम्मत एक तौहीद पर थी। कितने साल? अशरत कुरून कुल्लुहुम अलल इस्लाम। हाँ, पूरे के पूरे 10 सदियां, एक सदी 100 साल की भी है या और भी, एक नस्ल पूरी जितनी है वो भी ले सकते हैं, मेरे कैफ, आप 100 साल ही रख लीजिए। 10 सदियां का मतलब है 1000 साल पूरी उम्मत सिर्फ तौहीद पे थी, कोई शिर्क नहीं, कोई दरगाह नहीं, कोई गैरुल्लाह नहीं, कोई बंज नवाज नहीं, कोई पंजतन पाक नहीं, कोई दरअसल क्या नहीं है, दूसरा को पुकारने वाला नहीं, और कोई बगदाद वाला भी नहीं, कोई क्या है अजमेर वाला भी नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? लोगों के अंदर शिर्क पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? बुत के जरिए से? ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अल्लाह ने हजरत शीस को दी, जो हजरत आदम के बेटे हैं। इनका नाम कुरान में नहीं आया है, रिवायतों में आया है। अच्छा, हजरत शीस के बेटों में ये नाम है, कौन कौन? वद, सुवा, यगूथ, यऊक, नसर, जो कुरान के अंदर सूरह नूह में आया है। ये 5 पंजतन पाक उस वक्त भी थे, आज बोलते ना पंजा पंजा, ये 5 बुत उस वक्त भी थे, जिनके नाम क्या थे? वद, सुवा, यगूथ, यऊक, नसर, जिसको रब्बुल आलमीन कहता है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो कौम के लोगों ने कहा वकालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूसा वयऊका वनसरा, कि हम जरूर अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे, वद को नहीं छोड़ेंगे, सुवा को नहीं छोड़ेंगे, यगूस को नहीं छोड़ेंगे, यऊक को नहीं छोड़ेंगे, नसर को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये 5ों लोग कौन हैं? क्या ये बुत हैं? यही गलत फहमी है मेरे भाइयों, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर है, कहते हैं कि ये 5ों लोग हजरत आदम के पड़ पोते थे, हजरत शीस के बेटों के बेटे थे, बड़े अल्लाह वाले थे और बहुत इबादत गुजार थे, कौम इनको बहुत मानती थी। जब ये 5ों लोग वफात पा गए तो शैतान ने दिलों के अंदर ये वसवसा डाला कि ये तुम्हारे बुजुर्ग लोग हैं, तुम असल में देखे हो लेकिन तुम्हारे आने वाली नस्लें नहीं देखी हैं। तो इस वास्ते वो लोग जहां वाज़ो नसीहत करते थे उनकी जगहों पे कोई पत्थर नसब कर दो ताकि लोगों को मालूम हो तुम्हारे बड़े लोग यहां बैठ के वाज़ो नसीहत करते थे। तो उन लोगों ने मान लिया। तफ़सीर इब्ने कसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है जो मैं कह रहा हूं। अच्छा, वो नस्ल भी मर गई, अगली नस्ल आई तो शैतान ने उनके दिलों में डाला कि देखो तुम्हारे जो आबा व अजदाद जहां पर पत्थर नसब किए थे, जहां वलीउल्लाह बैठा करते थे, अगर तुम मर गए तो उनको देखने वाले कोई नहीं होंगे, तो इस वास्ते उनकी याद में तुम पत्थर नहीं बल्कि पत्थर के साथ साथ तस्वीर भी रखो ताकि लोग भूल न जाएं। तो उन लोगों ने तस्वीरें रख दी और तब भी इबादत शुरू नहीं हुई, वो नस्ल भी मर गई। अगली नस्ल आई तब शैतान ने उनके दिलों में डाला देखो तुम्हारे आबा व अजदाद तो तस्वीर रखे हुए थे और यहाँ पर बैठा करते थे, वो लोग जानते थे उनके अदब एहतराम को, लेकिन आगे आने वाली नस्ल दरअसल नहीं जानती होगी, इस वास्ते तुम इनकी पूजा पाठ शुरू कर दो ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। तो तीसरी नस्ल वालों ने उन मुजस्समों के पास बैठ के पूजा शुरू कर दी, तो यहां से ही शिर्क की इब्तिदा हुई। हालांकि वो पूरे के पूरे अल्लाह के वली थे, खुद हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है कि हाज़िहि अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौमि नूह, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5ों बुत असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सालेह तरीन बंदों के नाम हैं।
जैसे हमारे यहाँ अब्दुल कादर जीलानी हैं, काले शाह वली हैं, हसनैन करीमैन हैं, अली अजवेरी हैं, फुला हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, इसी तरह वो लोग भी जब पहले सबसे पहले उन्होंने शिर्क किया यही समझे कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा के छोड़ेंगे, इस वास्ते हम इनको पुकारने लगे। वो कोई पत्थर के बुत नहीं थे, वो भी सालेह लोग थे जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारे। उनको असल में अहमियत और फजीलत देने के एतबार से ही शिर्क शुरू हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इन्हीं को कहा कि तोड़ो इनको और एक अल्लाह को पुकारो, तो कौम ने नहीं माना। 950 साल की तबलीग में कितने लोग आए? 80 लोग इस्लाम कबूल किया। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत नूह कश्ती बनाने लगे तो अल्लाह ने कह दिया कि अब आखिरी पॉइंट है कि हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत तन्नूर। देखो, एक जगह चूल्हा है, तन्नूर है, वहाँ से पानी निकलेगा तो समझ लेना मेरा अजाब शुरू हो गया है। तो तुम क्या करना? कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक। ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी उठा के कश्ती के अंदर रख लेना और जितने लोग मुसलमान हुए उनको भी चढ़ा लेना। फिर ऐसी बारिश होगी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, इस वास्ते तुम कश्ती के अंदर पनाह ले लेना। तो जैसे ही वो तन्नूर से निकला पानी तो हज़रत नूह ने क्या किया कि तमाम अहले ईमान के साथ कश्ती के अंदर दाखिल हो गए। कुल 80 लोग ही थे, लेकिन दुनिया के हर किस्म जो आज बाकी है, चरिंद परिंद दरिंदे जो कुछ भी हैं, वो सब के सब एक एक जोड़ी हज़रत नूह ने उठा लिया, कश्ती के अंदर दाखिल हो गए। वही जो बाकी थे तो आज बाकी हैं, जो उसमें मरघब गए मरघब गए, याद रखो। तो अल्लाह कहता है कि कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन माहू इल्ला क़लील। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में दाखिल होने वाले लोग बहुत कम थे। तौहीद के अलमबरदार हमेशा कम होंगे, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग बोलते कहाँ भाई ही तुम लगा, 1% भी नहीं, हमें देखो जी कहाँ देखो ही, तो तब क्या है, हमें छक पी। कसरत हक पे दलालत नहीं करती, याद रखो, हमेशा कम लोग ही तौहीद पर कायम रहे। 80 लोग, 950 साल की दावत, सिर्फ 80। इसलिए अल्लाह कहता है वमा आमना माहू इल्ला कलील, नहीं ईमान लाए मगर सिर्फ चंद लोग। अच्छा, क्या हुआ? कश्ती में सवार हो गए। अब कश्ती में सवार होते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ ली, वकाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अल्लाह, हमने तेरे नाम के साथ ही सवारी की है, अब इसका चलना और इसका ठहरना तेरे नाम के साथ है। अब उधर इधर हुआ क्या? अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया बरस जा, जमीन को हुक्म दिया कि फट जा, दोनों तरफ से पानी। वफज्जरनल अर्द उयूनन फल्तकल माउ अला अम्रिन कद खुदिर, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी, हत्ता के ऊपर वाला पानी नीचे वाला पानी दोनों मिल गया, इस हद तक पानी। अल्लाह कहता है वही है तजरीब इन फी मौजिन कल जिबाल, इतना पानी, इतना पानी कि उसमें से एक एक मौज उठती थी तो ऐसे मालूम होता था गोया कि क्या है, पहाड़ है। जैसे समंदर में लोट हम बोलते हैं ना, हम मौज नहीं बोलते, हम लोट बोलते हैं। समंदर में मौजें उठती हैं तो जैसी बड़ी बड़ी मौजें होती हैं, वैसे नॉर्मल पानी में से मौजें उठती थी तो बड़ी बड़ी मौजें, ऐसे लगता था गोया कि एक पहाड़ है जो पानी का उठा है। वही है तजरीब हिम फी मौजिन कल जिबाल। ऐसी हालत में क्या होता है? आखिरी सीन देख लो जो अल्लाह ताला बताना चाहता है। वनादा नूह इब्नह, उनका अपना बेटा मुशरिक था, ईमान नहीं लाया था, नूह का बेटा। ऐसे वक्त में हजरत नूह देखते हैं कि बेटा कश्ती से बाहर खड़ा हुआ है, तो वो पुकारते हैं वनादा नूह इब्नह, ऐ मेरे बेटे आजा, चढ़ जा मेरे साथ, आजा ईमान कबूल कर ले।
आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। वकान हफी माजिली या वो नहीं यकम माना वला तक माल काफिरीन, मुशरिकों के साथ काफिरों के साथ ना हो जाए। लेकिन शिर्क एक ऐसी बुरी नहूसत है मेरे भाइयों, जब जहनों में बैठ जाता है तो फिर हिदायत जाती रहती है, अकल जाती रहती है, पागल हो जाता है। आप कितना भी कुरान हदीस बताओ ना, वो बोलता कि नहीं भाई मेरे बड़े जो बोले हैं ना जी मैं वोच करूँगा जी। अरे भाई कुरान में देखो भाई, हदीस देखो ना, हम नहीं मानते भाई, हमारे पीरों को हम मानते। तो मुशरिक की अकल पर अल्लाह पर्दा डाल देता है। यहां नूह अपने बेटे को डायरेक्ट पुकार के कहते हैं कि आ जाओ बेटा, और इधर तूफान ऐसा है कि जमीन आसमान का पानी मिल गया। लेकिन शिर्क की नहूसत ऐसी है कि वह बदबख्त बेटा कहा काला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं देखो वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो पानी से बच जाऊंगा, पानी वहां तो नहीं आएगा ना उतना ऊंचा, तो मैं वहां चले जाऊंगा। तो हजरत नूह ने कहा कि ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह, बेटे आज अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अल्लाह ही बचा सकता है। और आज मुशरिकों को अल्लाह बचाने वाला नहीं है, इस वास्ते ईमान कबूल कर ले, आ जा। अभी ये आखिरी बातचीत हो ही रही थी, अल्लाह ताला कुरान में कैसे वाकियात को लाया है देखिए। अल्लाह कहता है कि अभी बाप बेटा बात ही कर रहे थे, वहाल बैनहुमल मौज फकाना मिनल मुग़रकीन, एक बहुत बड़ी मौज उठी, हजरत नूह के सामने उनके बेटे को बहा ले गई, नूह कुछ नहीं कर सके। अब इसके बाद चलती रही कश्ती, चलती रही चलती रही, बाज रिवायतें हैं कि 40 दिन तक बारिश ही बारिश रही और कश्ती चलती रही चलती रही चलती रही, यहां तक कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क से पूरी जमीन को पाक कर दिया, सब मर घब गए मुशरिक, तो अल्लाह ने कहा कि वकील या अर्ज़ इब्लई माक व या समा अक्लि, जमीन तो अपना पानी निगल ले, आसमान थम जाओ, वगीज़ अल्मा और जमीन के अंदर जितना पानी है सब सख्त बन जाओ, जमीन बन जाओ, पानी उसमें से जाता रहे। ये एक आयत काफी है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, याद रखो। हाँ, कई मुस्तशरिकीन, कई अंग्रेज मुअर्रिखीन, कई बड़े बड़े सियासतदान, कई अकल व जहन के बड़े बड़े लोग इस एक आयत का तर्जुमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। पता है आपको, हम असल में पढ़ते नहीं, हमको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या ज़ौक़ है, क्या इल्म है। सिर्फ खालिक ही जिसने पैदा किया हो आसमान और ज़मीन को, आसमान और ज़मीन को ऐसा आर्डर दे सकता है, वरना कोई नहीं दे सकता, जो अल्लाह ने यहाँ पर आर्डर दिया है। قيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلع وغيض الماء وقضي الأمر, इसके अंदर देखिए जो हाकिमियत है, जो रब का हुक्म है, वो सिर्फ वही दे सकता है जो उसको बनाया हो। फरमाया कि आसमान रुक जा, जमीन जितना पानी है निगल ले, और जमीन के दरमियान जो पानी है वो सख्त हो जा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वगीज़ अल्मा व कुज़िया अल-अम्र, फैसला चुका दिया गया। वस्तवत अलल जूदी, जूदी के पहाड़ पर कश्ती टिक गई, मसला खत्म, सब दूर हो गए। वकील बुअदन लिल कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम कौमों से कह दिया गया कि दूर हो जाओ। अब जैसे ही हजरत नूह कश्ती से नीचे उतरे, अपने बेटे को देखा था अपने आंखों से डूबते हुए, उन्होंने पुकार लगाई, या रब, ऐ अल्लाह, ये कैसा है कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने डूब गया। हालांकि तूने मुझे बताया था कि तू मुझे रुस्वा नहीं करेगा, वांता अहकमुल हाकिमी, तो सब हाकिमों का बड़ा हाकिम है। हाँ, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ने फरमाया कि नूह तुम्हारा बेटा नहीं है। मसला खत्म, मुशरिक मोमिन का वारिस ने, मोमिन मुशरिक का वारिस ने, मसला खत्म।
उन्होंने कहा अल्लाह मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने डूब गया, अल्लाह तूने बचाया नहीं, तो अहकमुल हाकिमीन। तो अल्लाह ने कहा कि नूह तुम्हारा बेटा नहीं है, लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, वो अमल जो करता था वो शिर्क करता था, वो बुरा अमल था। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, बगैर इल्म के मेरे पास सवाल न करो। इन्नी अऊज़ु बिका इन्नी अऊज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें वास करता हूं कि तुम जाहिलों की सी बातें ना करो। तो हजरत नूह हाथ उठा दिए, इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन, कि ऐ अल्लाह मैं पनाह में आता हूं कि मैं बगैर इल्म के सवाल करूं, अगर मेरा बेटा नहीं है, बस तेरा फरमान यही है तो मैंने कबूल किया और मैं तौबा करता हूं कि तू मुझे माफ़ कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तायब हो गए और मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं हो सकती, अल्लाह तबारक व तआला ने उठा के फेंक दिया। तो हजरत नूह शिर्क की वजह से अपने बेटे को नहीं बचा सके, हजरत इब्राहिम शिर्क की वजह से अपने बाप को नहीं बचा सके, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क की वजह से हजरत अबू तालिब को नहीं बचा सके। ये दो वाकियात मेरे ऊपर पेंडिंग है, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं तफसील से बयान करता कि ये दो वाकियात भी कैसे हुए, लेकिन शायद शाम में वक्त मिल जाए या मेरे दौरे में कहीं वक्त मिल जाए तो मैं आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि जुमा का वक्त बड़ा तंग होता है। लेकिन याद रखो एक बात, हमेशा याद रखिए कि शिर्क एक ऐसी नहूसत है, एक ऐसी बला है, एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसी मासियत है। अगर इसके साथ आपको निस्बत नूह के बेटे की मिल जाए, आपको निस्बत हजरत इब्राहिम के बाप जैसी मिल जाए, और आपको निस्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा जैसी मिल जाए, तब भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर हिमा शुमा का क्या एतबार है, हमारा क्या मामला है। इस वास्ते मुसलमानों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी के सामने न झुको, उसके अलावा उसी के सामने रुकू नहीं, किसी के सामने सजदा नहीं, किसी के सामने क़याम नहीं, किसी के सामने नज़र नहीं, किसी के सामने नियाज नहीं, किसी के लिए पुकारना नहीं, अल्लाह एक की तौहीद पे रहो। फिर तो याद रखो तमाम तर गुनाह हैं लेकिन शिर्क नहीं है, तो आप जन्नत जाएंगे। एक मिसाल के ज़रिए जहन में रख लो, देखो रियाजी का एक उसूल है, साइंस हिसाब का एक उसूल है, मैथमेटिक्स का एक उसूल है, आप एक लगा लें पहले और उसको ज़रब लगाते जाएं, 1 × 1 = 1, 10 × 1 = 10, 100 × 1 = 100, 1000 × 1 = 1000, 10,000 × 1 = 10,000, lakhs × 1 lakhs, 10 lakhs × 1 = 10 lakhs, 1 crore × 1 crore। ये 1 क्या है पता है? यही तौहीद है। ये तौहीद अगर होगी ना जी, एक नमाज भी आपके 70 नमाजों के बराबर हो जाएगी, एक नफिल भी आपके 70 नफिलों के बराबर हो जाएगी, एक नेकी भी आपको 1 करोड़ नेकियों के बराबर हो जाएगी। लेकिन सामने 1 होना है, तौहीद होना है, तो एक एक अमल बढ़ता चला जाएगा, 1 crore × 1 1 crore हो जाएगा। लेकिन ये तौहीद को नीचे गिरा दें, यहाँ 0 डाल दें, 0 डाल दें, फिर इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, 0 × 10 = 0, 0 × 100 = 0, 0 × 1000 = 0, 0 × 10,000 = 0, 0 × lakh = 0, 0 × 10 lakh = 0, 0 × 10 crore = 0। ये 0 ही शिर्क है। अगर आप इधर 0 और इधर 10 crore आप इबादतें भी करें तो वो 0 के 0 ही है, अल्लाह के यहां कोई काबिल कबूल नहीं। ये एक तौहीद है तो फिर हर चीज बढ़ती चली जाती है। अगर आप यहां से इसको निकाल दें तौहीद को और इधर शिर्क आ जाए 0,
फिर आप नमाजें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, इबादतें करते रहें, सखावतें करते रहें, जो कुछ भी करें, लेकिन सब का सब ज़ीरो हो के रह जाएगा। अल्लाह कहेगा कि मेरे पास कोई अमल काबिल कबूल नहीं, और इसे उठा के जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। हाज़ा व बिललाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم।